सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार व उसकी हत्या करने की घटना का आज उल्लासनगर शिवसेना द्वारा यहां के कैंप क्रमांक 3 के शिवाई चौक परिसर में निषेध किया गया और यूपी सरकार से मांग की कि उसे न्याय दे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रहने वाली मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार व हत्या करने की घटना का आज उल्लासनगर शिवसेना द्वारा आज यूपी सरकार का निषेध किया गया और यूपी सरकार से मांग की कि उसे न्याय दे। जिस तरह हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ हुई घटना के बाद उसे सरकार ने न्याय दिया, ऐसी मांग उल्लासनगर शिवसेना द्वारा की गई है। सर आज यहाँ पर जो जन आंदोलन किया गया है, क्या कहेंगे उस विषय पर? यूपी सरकार के हाथरस जिला में जो घटना घटी है, जो कुमारी मनीषा वाल्मीकि जिनके ऊपर रेप किया गया, अत्याचार किया गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई, इस हत्या के निषेध में उल्लासनगर शिवसेना की तरफ से यहाँ पर धरना आंदोलन हमने किया है। यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी, इनका हम निषेध करते हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं कि जो हैदराबाद सरकार ने प्रियंका रेड्डी की जब ऐसी बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, जब उनको वहाँ के सरकार ने जो न्याय दिया था, वो न्याय की अपेक्षा हम यूपी सरकार से कर रहे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जी कर रहे कि उनमें अगर कुछ इंसानियत है और उस राज्य के मुख्यमंत्री अच्छे खुद को कहलाते तो उनको हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी की जो हत्या हुई थी उसके ऊपर जो रेप हुआ था, उनको जो उनके आरोपी को जो शिक्षा मिली थी, वो शिक्षा यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देंगे, ऐसा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सर कंगना के पीछे तो कई सारे लोग खड़े थे, अपनी इस बच्ची के पीछे कोई नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र के सरकार में पद लेते हैं, ऐसे लोगों ने जो कंगना के बाद बारी में महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की जो बदनामी की थी, वो सब लोग ये यूपी सरकार के, यूपी के इस मुद्दे में, ये कुमारी वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि जी के मैटर में अपने मुंह छुपा के बैठे हैं। उनको मेरा आह्वान है कि तुम अगर इंसानियत और जो कंगना की बाजू लेके बात कर रहे थे, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे थे, अभी यूपी में जो घटना घटी है उसका निषेध करो। यूपी सर